हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड फिट लैब। और आज ये वीडियो स्पेशली मैं स्टूडेंट लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट टाइम में व्हे प्रोटीन खरीदना कितना टफ होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज नेक्प्रो का आफ्टर यूज रिव्यू दूंगा। ये कोई रिव्यू नहीं, रिव्यू बहुत सारा है नेक्प्रो का, पर नेक्प्रो आइसोलेट का ये फ्लेवर वाला है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसका मैं आफ्टर यूज रिव्यू दूंगा कि ये स्टूडेंट को लेना चाहिए। मतलब जो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बहुत दिन से कर रहे हैं, जो भी है, ये नेक्प्रो आइसोलेट को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप लोग को बोल देता हूँ कि हर एक टाइप का प्रोडक्ट का जो रिव्यू मैं देता हूँ, यूज करके ही देता हूँ आप लोगों को, आफ्टर यूज में। जैसे कि आप लोग को मैं दिखाऊँ, ये जो प्रोटीन है, देखिए देखिए, खाली ऑलमोस्ट मैंने यूज कर लिया। ये 15 दिन के आसपास हो गया मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एक चीज मैं नेक्प्रो के बारे में आप लोग को बोलना चाहता हूँ, इसका जो प्रोटीन क्वांटिटी है पर सर्विंग में वो बहुत ज्यादा है। 33 ग्राम का सर्विंग है और जिनमें आपका प्रोटीन है 29 ग्राम के आसपास, ठीक है। उसके साथ इसमें 0 कार्बोहाइड्रेट, 0 आपका सुगर, 0 फैट, ये सब 0 है। ये कुछ मतलब जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया है ना, जैसे कि मैं अगर आप लोग को मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये छोटा दिख रहा है बट मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, अगर वो आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा कि वो ना के बराबर है, ठीक है। तो नेक्प्रो का मुझे सबसे अच्छा चीज लगा कि उसका प्राइस, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, आइसोलेट प्रोटीन है, जो आपको 1500 के अंदर मिल रहा है। तो एक स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि वो आइसोलेट यूज करे तो नेक्प्रो इज द बेस्ट ऑप्शन अभी ये मार्केट में, ठीक है। अमेजन में जाओगे आराम से आपको मिल जाएगा। अभी अगर मैं बोलूं कि आइसोलेट प्रोटीन इसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका मतलब रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट प्रीमियम है, डेफिनेटली आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। मैं खुद इसको पी रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट फिर भी क्या होता है कि एक चीज जो खराब है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले मैं इसका अच्छा ही जो है वो मैं बोल देता हूँ। प्रोटीन क्वांटिटी एक नंबर में है, इसका जो प्रीमियम मतलब जो फील, जो प्रोटीन का जो जब यूज कर रहे हो आपको जो रिकवरी, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, आपको फील होगा, ठीक है। BCAA 2:1:1 रेशियो में है, ठीक है, उसमें कोई चिंता नहीं है। इंग्रेडिएंट्स का बात करूं, पहले क्या होता था, नेक्प्रो बाहर से इंग्रेडिएंट्स लाके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो रॉ मटेरियल जो है शायद बाहर से नहीं ला रहा है। तो आप लोग अगर नेक्प्रो का वेबसाइट में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और एक चीज आपको मैं बात करूं जो खराब मुझे लगा, कि स्ट्रॉबेरी मैंने लिया, इसका टेस्ट थोड़ा सा टेस्ट में मेडिसिन जैसा लगता है, पता नहीं क्या है इसमें एडेड जिसके लिए वैसा टेस्ट आ रहा है। देखिए रिव्यू बहुत सारा है, अगर प्रोडक्ट का रिव्यू आप चाहते हो कि प्रोडक्ट में क्या क्या है वो बहुत सारा है, बट आपको आफ्टर यूज रिव्यू नहीं मिलेगा, मतलब जो सच्चाई है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो सच्चाई ये है कि ये प्रोटीन आप ले सकते हो, आपका बजट अगर टाइट है ये प्रोटीन आप यूज कर सकते हो, आपका टेस्ट का कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये प्रोटीन आप ले सकते हो। अगर आपको आइसोलेट चाहिए सस्ते प्राइस में तब जाके ये प्रोटीन आप ले सकते हो। अगर आपका ब्रांड स्पेसिफिक है, टेस्ट स्पेसिफिक है और आपके बजट ठीक ठाक है तो आप ये प्रोटीन में मत जाइए। बहुत सारा प्रोटीन मार्केट में अच्छा अच्छा मिलता है जिसका टेस्ट थोड़ा डिसेंट है, बट मैं इसलिए लिया था क्योंकि स्टूडेंट लोग जो है उन लोग को बोलना था कि ये प्रोटीन काम चलाने का लायक है कि नहीं। तो ये 100% काम चलाने का लायक है, प्रोटीन आइसोलेट है, ब्लेंड बहुत अच्छा है, मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप लोग आराम से लीजिए प्रोटीन को, यूज कीजिए, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम दिया हुआ है, उसके साथ साथ कोई ब्लोटिंग फील नहीं होगा। आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो प्रोटीन है वो स्टोमक में आराम से डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको फील भी नहीं होगा कि प्रोटीन है कि नहीं, आपको भूख लगेगा आराम से। तो ये प्रोटीन आप ले सकते हो 1500 रुपए के अंदर, नेक्प्रो ने आइसोलेट प्रोटीन आपको ऑफर कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट, जब आपका बजट टाइट है ये प्रोटीन लीजिए, ठीक है। तो जस्ट यही मैं मुझे बोलना था इसके बारे में। टेस्ट के बारे में मैं पहले ही आपको बोल दिया, टेस्ट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए अच्छा होगा, बट प्रोटीन अच्छा है, ठीक है। चलिए वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये कोई रिव्यू मतलब प्रोटीन का डिटेल्स में मैं कोई रिव्यू नहीं है, ये आफ्टर यूज रिव्यू है, ठीक है। ये मैंने जो सच है वो आपके सामने